हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक से। और आप ये जो राइट साइड में फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48। और राजीव चौक से यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट टर्न, और ठीक मेरे सामने ये रोड जाती है सोना की ओर। तो स्वागत है दोस्तों गुरुग्राम को वाया सोना नू अलवर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 248A। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, NHAI का दर्जा मिलने से पहले ये रोड हरियाणा स्टेट हाईवे के अंडर में आती थी, जो कि गुरुग्राम को वाया सोना होते हुए अलवर तक जोड़ती थी। बट KMP बनने के बाद दूसरे स्टेट से आने वाला सारा हैवी ट्रैफिक भी गुरुग्राम से इसी रोड के माध्यम से ही जुड़ा। KMP से आने वाला जो हैवी ट्रैफिक था, जो भी ट्रक्स वगैरह थे जिनको गुरुग्राम की ओर जाना होता था, वो इसी रोड का यूज़ करते थे, क्योंकि ये रोड आगे जाके KMP को भी टच करती है, उसको क्रॉस करती है। NCR का ये एरिया पहले से ही जहाँ काफ़ी कंजस्टेड था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर था। और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जब नींव रखी गई, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं सोहना के पास से दिया गया। और यही कारण है कि NHAI ने इस पूरे एरिया में ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए और यातायात को सुगम बनाने के लिए 2018 में 1460 करोड़ की लागत से 21.65 किलोमीटर लंबा गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट पेश किया, जिसको नाम दिया गया सोहना एलिवेटेड रोड। जगह है ये गुरुग्राम का इस्लामपुर विलेज, और राइट साइड में यहाँ पर एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब क्योंकि पहले ये रोड 4 लेन थी, जिसको अब वाइड करके 10 लेन का बनाया जा रहा है। 5-5 लाइन ईस्ट साइड इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें से बीच की 3-3 लाइन एक्सप्रेस लाइन होंगी, और बाकी बची हुई 2-2 लाइन बोथ साइड पर वो सर्विस लाइन के रूप में यूज़ की जाएंगी। रोड के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए अंडर पासिस का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि जो बीच की 3-3 लाइन है वो एक्सप्रेस लाइन बनाई जा रही हैं। एक्सेस कंट्रोल होंगी, सिग्नल फ्री होंगी, और बीच में कोई भी कट नहीं होगा। राजीव चौक से सोहना तक 21.65 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेसेस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लेंगे अपडेट सोहना एलिवेटेड रोड के फेज 1 का, जो कि राजीव चौक से शुरू होकर बादशाहपुर तक जाता है। लंबाई है 8.94 किलोमीटर और कॉस्ट है 800 करोड़। ये है सुभाष चौक। अब चूंकि सामने ये फ्लाईओवर पहले ही था, इसलिए सोहना एलिवेटेड रोड यहाँ पर इस फ्लाईओवर को अंडर पास करते हुए आगे बढ़ेगी। यही क्योंकि अगर इसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर बनाया जाता, डबल फ्लाईओवर, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती। ये रीज़न है कि यहाँ पर एक अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। राजीव चौक की साइड अभी जो अंडरपास का निर्माण कार्य है, जो मिट्टी खुदाई कार्य, वो शुरू ही हुआ है। बट दूसरी साइड यानी सोना वाली साइड, ये अंडरपास काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। सर्विस लाइन की वजह से राजीव चौक की साइड में ये अंडरपास थोड़ी लेट शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी है OSE प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। डेडलाइन है जून 2022। वैसे तो पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन जून 2022 है, बट अगर काम की बात करें तो फेज 1 में, जैसा कि नॉलेज मेरे को है कि अभी सिर्फ 35% ही काम पूरा हुआ है। वो आज हम देखेंगे भी कि कितना काम अभी सोहना एलिवेटेड रोड के फेज 1 पर हो चुका है। ये राइट साइड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होगा अंडरपास, जो कि सोहना एलिवेटेड रोड पर ही सुभाष चौक पर बनाया जा रहा है। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो यहाँ पर अभी काफ़ी है, क्योंकि बीच की जो 3-3 लाइन है एक्सप्रेस लाइन, वो अभी ऑपरेशन नहीं हुई है, तो सारा ट्रैफिक ये 2-2 लाइन की सर्विस लाइन पर ही है। यही कारण है कि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो जाता है। बट अब कुछ समय की बात है, जब ये पूरा सोहना एलिवेटेड रोड ऑपरेशनल हो जाएगी, तो उसके बाद तो यहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन भी नाम मात्र का रह जाएगा। राइट साइड में
फेज़ वन पर ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि सुभाष चौक के पास से शुरू होकर बादशाहपुर तक जाएगा। 5 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड पार्ट होगा जो कि फेज़ वन में है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया, NCR का घनी आबादी वाला एरिया ये सोना रोड, और यही कारण है कि राजीव चौक से सोना तक के इस पूरे पार्ट को एलिवेटेड स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जा रहा है, ताकि नीचे की साइड भी ज़्यादा कंजेशन ना हो, ज़्यादा नैरो रोड ना हो। इस एलिवेटेड रोड का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि वेस्ट दिल्ली, द्वारका, IGI एयरपोर्ट या गुरुग्राम से आने वाला ट्रैफिक, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है, मुंबई की साइड या गुजरात की साइड एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना है, वो इसी सोना एलिवेटेड रोड का यूज़ करते हुए ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ज्वाइंट होगा, से कनेक्ट करेगा। और यहाँ देखिए काफ़ी शानदार ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर, सिंगल पिलर पर 6 लाइन ये रोड, और जो कि अपने आप में ही बहुत शानदार 3 चरणों में तैयार हो रही है एलिवेटेड रोड। पहले चरण में पिलर का निर्माण कार्य होता है, उसके ऊपर ये सेगमेंट रखे जाते हैं, और तीसरे चरण में उसमें ये विंग्स जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये विंग्स ऐड किए जाते हैं, जो कि आगे आपको दिखेंगे भी जहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी, जहाँ पर विंग्स ऐड हो रहे हैं या जिन पर अभी सेगमेंट्स की लॉन्चर के थ्रू सेगमेंट लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, एलिवेटेड स्ट्रक्चर के तैयार होने के बाद रोड कितनी वाइड यहाँ पे लगती है। लेफ्ट साइड में ओमैक्स सिटी सेंटर। सोना एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट आने के बाद से ही पूरे सोना रोड पर रियल स्टेट में एक बूम आ गया था, जो कि अब भी है बूम। और राइट साइड में देखिए, यहाँ पर विंग्स ऐड किए जा रहे हैं सेगमेंट के साथ, यानी कह सकते हैं जो बीच का सेगमेंट है 3 लाइन का, वो उसके बाद ये दोनों साइड पे विंग्स ऐड करके इस पूरे स्ट्रक्चर को 6 लाइन का बनाता है। काम हालांकि अभी काफ़ी बचा है और डेडलाइन जून 2022 की है, बट जैसा कि इंडिया में हमेशा होता है कि डेडलाइन पर अगर काम पूरा हो जाए तो वो शायद इंडिया ही ना हो, तो यहाँ पर भी डेडलाइन का मिस होना तय है। बट कितनी मिस होती है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी भी 6 महीने का समय बचा है इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर की डेडलाइन में। आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी काम यहाँ पर हो चुका है, बीच बीच में कुछ पार्ट है जहाँ पे अभी काम होना बाकी है। और इसी के साथ ही लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर एक रेलिंग भी लगाई जा रही है, लोहे की ग्रिल लगाई जा रही है, ताकि सर्विस रोड पर भी अनचाहा ट्रैफिक एकदम अचानक से कोई बीच में रोड पर ना आ सके, क्योंकि जो हाई स्पीड ट्रैफिक होगा वो एलिवेटेड रोड से ही जाएगा, बट जो लोकल ट्रैफिक है जिनको सोना रोड पर छोटे छोटे जगह जो यहाँ पर कॉलोनीज हैं वहाँ पे जाना है, वो सर्विस रोड का ही यूज़ करेंगी, तो उसके लिए भी सर्विस रोड भी बेहद शानदार बनाई जाएगी यहाँ पर। सेफ्टी ग्रिल्स उसी लिए यहाँ पर लगाई जा रही हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी पैदल चलता हुआ व्यक्ति रोड पर ना आ सके, भले ही वो सर्विस रोड ही क्यों ना हो। फ्यूचर को देखते हुए इस पूरे जो रोड प्रोजेक्ट का किया जा रहा है। और यहाँ देखिए लॉन्चर, जो कि पिलर्स बाय पिलर सेगमेंट को जोड़ता हुआ सोना की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो दूर तक आपको पिलर्स दिखाई देंगे, 2 पिलर्स यहाँ पे रहते थे जिनका निर्माण कार्य अभी होना था, जिसमें से राइट साइड में ये आप पिलर देख सकते हैं, जिसके ऊपर कैपिंग का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, बस अब शटरिंग खुलने की इंतज़ार है। ये है वाटिका चौक, और वाटिका चौक पार करने के बाद जो दूसरा पिलर जिसकी मैं बात कर रहा था निर्माण कार्य होना है, आप यहाँ देख सकते हैं पाइलिंग मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो फेज़ वन में यही एक मात्र पिलर रह गया है जिसका अभी स्टार्टिंग हुई है, पर जब तक लॉन्चर यहाँ तक पहुँचेगा होप की जा सकती है कि ये पिलर भी तैयार हो जाएगा। और उसके आगे यहाँ आप देख सकते हैं सेगमेंट्स तो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, बस इन पर जो विंग्स ऐड होने हैं बोथ साइड पर, उसका कार्य होना बाकी। और जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तक तो जो रोड यहाँ पर कंजेशन है
वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। इंतज़ार रहेगा इस सोना एलिवेटेड रोड के तैयार होने का, इस पर ड्राइव करने का, और इस एलिवेटेड रोड के थ्रू ड्राइव करने का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ आप देख सकते हैं सेगमेंट जोड़ने का कार्य किया जा रहा था और उसके आगे एक लंबी लाइन पिलर्स। जगह है ये बादशाहपुर, और यहाँ पर भी एक लॉन्चर जो कि पिलर्स पर सेगमेंट को जोड़ता हुआ वाटिका चौकी और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत जल्द ये लॉन्चर भी जो सेगमेंट जोड़ने का कार्य कंप्लीट कर लेगा। ज़्यादा काम नहीं बचा है, ज़्यादा पिलर्स बीच में नहीं है कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। हालांकि इस पर अभी विंग्स ऐड होने हैं और वो विंग्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर एक लॉन्चर विंग्स लगाने वाला यहाँ पर भी कार्य कर रहा है जो कि वाटिका चौकी और आगे बढ़ेगा विंग्स को लगाता हुआ, क्योंकि मैं यहीं से देख सकता हूँ पीछे एक और लॉन्चर विंग्स को ऐड करता हुआ यहाँ तक आ रहा है, इस ओर बढ़ रहा है। तो ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, मुझे लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते तक यहाँ पर ये विंग्स का कार्य जो लॉन्चर कर रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। विंग्स लगाने के बाद जो इनके जॉइंट होने हैं या ऊपर जो रोड का निर्माण कार्य होना है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बादशाहपुर एरिया एक समय था यहाँ पर जब 4 लेन थी तब भी निकलना बहुत मुश्किल था, और अब चूँकि रोड थोड़ी सी वाइड भी की गई है और बीच में एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी हो रहा है, तब भी यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी स्लो। बट सोना एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य होने के बाद तो यहाँ पर कब बादशाहपुर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 21 किलोमीटर का ये सफ़र मुझे लगता है मैक्सिमम 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग के अंदर भी रास्ता खोल दिया गया है जाम की समस्या को देखते हुए, क्योंकि ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है बादशाहपुर में, तो जो बैरिकेडिंग थी उसके अंदर भी ट्रैफिक खोल दिया गया है। तो होप है कि बहुत जल्दी ये बैरिकेडिंग भी हटा ली जाएगी ताकि बादशाहपुर में भी जो नीचे सर्विस लाइन पर जो ट्रैफिक चल रहा है फिलहाल जब तक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पूरा तैयार नहीं होता तो वो भी काफ़ी सुगम हो जाएगा। एट पॉइंट नाइन फोर किलोमीटर है फेस वन की कुल लंबाई, और कार्य जैसा बताया जा रहा था 35% मुझे लगता है अब काम यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, लगभग 60% हम कह सकते हैं काम हो चुका है। हालांकि बीच में अभी कुछ पिलर्स हैं जिन पर अभी सेगमेंट और विंग्स का कार्य होना बाकी है, और उसके बाद रोड निर्माण का कार्य तो मैं उसको 10% ही मानूंगा क्योंकि रोड तो फटाफट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। लेफ्ट साइड में आप ग्रिल्स देख सकते हैं जिन पर पेंट भी किया जा चुका है, और एलिवेटेड स्ट्रक्चर के नीचे आप ये पोल्स देख सकते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि रोड को यहाँ पर और ज़्यादा वाइड किया जा सकता था पर जरूरत को देखते हुए यहाँ पर रोड 2 लेन की सर्विस लाइन बोथ साइड में और ऊपर 6 लेन एलिवेटेड रोड। काफ़ी विशाल काफ़ी सुंदर, और यहाँ पर ये फेस वन की 5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड नीचे की साइड आ रही है ग्राउंड पे आ जाएगी। बट दोस्तों इस्कॉन मंदिर के सामने ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, बट दोस्तों यहाँ पर भी आकर बीच की जो 6 लेन्स है वो एक्सेस कंट्रोल ही रहेंगी, बट यहाँ पर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, यहाँ से आगे का सफ़र मैं अगली वीडियो में जारी रखूँगा। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।